खाने में हम बना रहे हैं चिकन और मिक्स दालों का दलिया, और ये बना रही हूँ मैं अजवाइन का कावा। ये समझो ग्रीन टी पी लें या ये पी लें, मौसम अच्छा हो गया अब तो ये बहुत ज़्यादा मैदे के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गुड़ और अजवाइन का कावा, इसमें लेमन भी मिक्स करेंगे। ये जी सारी दालें मिक्स, मूंग मसर और चने की दाल, ये दलिया भिगो के रखा है। चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, तो बस इसको बनाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये जी हमारा कावा बन गया, इसमें लेमन मिक्स करेंगे और वहाँ पे दलिया को भी मैंने तैयार कर लिया। अभी ये गलता रहेगा, जब ये फाइनल तैयार होगा तो फिर आपको दिखाएंगे। और जी हमने फिर से कपड़े धोने वाली मशीन लगाई है, ये काम नहीं ख़त्म होता। ये जी मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। खाना बन गया है, दाल चावल बने थे आज, तो बच्चों ने खा ली है, मैंने भी खाना खा लिया है, बस अब कपड़े वॉश कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तो सौदा ले आया, दूध है, ये दही है, ये आलू और धनिया वगैरह, ये है, ये मुझे नादा ना लग रहा है, ये अंडे हैं, अंडे हैं, अंडे मैं लेके आया था बाइक से, और ये चिकन है, ये चिकन है और ये आलू है। आज हमने नाश्ते में आलू के पराठे खाने हैं, मजे के मजा आ जाएगा यार। आलू के पराठे सर्दियों में, मुझे सारी सर्दी आलू के पराठे खिलाओ, मुझे मजा आता है। आलू के पराठे मेरे फेवरेट है। इसको कोई भी चीज दे दो ये बस नहीं करेगा। हाँ जी भैया, चलो यार पीठी बना लो यार, नाश्ता करना है यार, और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। सुनाओ अभी यार, नाश्ते से पहले क्या कुछ खाया आपने? बताओ कुछ अभी आपने खाया, वही खाया भैया, क्या खाया बताओ? समोसे खाए, आलू वाले, अब आलू वाले पराठे, आलू डे हो गया हमारा, आलू वाला डे। चलें जी ये बनते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यस, तो क्या नाचो? मैं तो सब लेके आया था सौदे में अंडे, उसके वो पापा ऑमलेट खाने लगे हैं, और यहाँ पे हमने दूध के लिए रख दिया। मैं उसके लिए पीठी के लिए धनिया वगैरह काट रही हूँ, बाकी मसाले अभी बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये जी आलूओं में सारे मसाले मिक्स कर दिए, ये ड्राई मेथी है, पुदीना है, लहसुन, अनारदाना और हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट बना के वो भी डाला है, तो बस अब इसको मिक्स करते हैं और पराठे बनाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी ठीक हैं। तो जी आज सुबह सुबह टेंशन बन गई है, बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। पिछले महीने 60,000 आया था, वो जमा नहीं किया था, एसी उसी दिन ही बंद कर दिया था जिस दिन बिल आया था, और अब एसी के बग़ैर ही हमें 50,000 फिर आ गए। इतनी हड़तालें और इतने शोर शराबे के बाद भी बिलों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिंगल स्टोरी हमारा घर है, समझ नहीं आ रहा, एरिया भी बहुत मोहल्ला टाइप ही है, पता नहीं क्यों इस तरह बिल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सी हमारी 20 कनाल की कोठी है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पंखों और लाइटों का 50,000 बिल आ गया, बस वही सुबह से अपसेट हुआ पड़ा है माइंड। बस कोई सामान वगैरह मंगाया है और पीठी वाले पराठे बना रहे हैं, बस खाना वगैरह खाते हैं, बिल की तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। पाकिस्तान में रहना ना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है ना, तो बस अखबार लोगों ने क्या करना है, किस तरह घर चलाने, किस तरह हालात कंट्रोल में आने, कोई समझ नहीं आ रही। तो बस देखते हैं आज की क्या रूटीन जाती है और आपसे शेयर करते हैं। अभी हम सेवियाँ बनाने लगे हैं हसन की फरमाइश पे, हसन अकेडमी से आया है, कह रहा है मेरा दिल कर रहा है सेवियाँ खाने का, तो अब हम दूध वाली सेवियाँ बनाने लगे हैं, बस करते हैं इसकी तैयारी। मज़ेदार ये आप साथ साथ बताई दें मामा। बस हल्का सा घी में इसको पहले फ्राई करना है, और फिर इसमें दूध और शक्कर मिक्स कर देनी। आज हम सेवियाँ चीनी वाली नहीं बनाएंगे, शक्कर वाली, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो गया है, जितना चीनी को अवॉइड करें उतना बेस्ट है।
हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी। तो चाय में भी हम लोग अब सर्दियाँ आ गई हैं, शक्कर या गुड़ यूज़ करेंगे, और मीठी की चीज़ों में भी, क्योंकि चीनी वैसे भी नहीं अच्छी। तो बेहतर है चीनी को हम लोग अवॉइड करें। बस अब इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे, दम पे लगा देंगे शक्कर डाल के। और आप सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? ओके जा रही है। आप थोड़े से दिनों बाद टेस्ट होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका बेटा 9th में हो जाएगा। आपकी जितनी हाइट हो गई है ना, आपको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 14 साल के हुए हो और हाइट अपनी चेक करो। मेरे थोड़े से वो हमारे थोड़े से साल भी जाया हुए थे, 2 या 3 एक साल जाया हुआ था, वो भी इसलिए कि हमने घर चेंज किया था उसमें कुछ, और एक साल पहले भी जाया हुआ था जब वो वाला घर दिया था, जो पुराना हमारा हाउस है ना, उसमें भी एक साल मेरा जाया हुआ था, नहीं तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही होना था इंशाल्लाह। चलो ये भी ठीक है, करे अल्लाह का, बस थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ाई से ही सारे काम बेस्ट होते हैं। बस अब ये होती है, दम लगाते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये अब हमने दूध डाल लिया है, अब हम इसमें शक्कर मिक्स करेंगे और फिर इसको दम लगा देंगे। शक्कर से टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। और मामा आपको याद है जो हम सर्दियों में शक्कर वाली वो बना के खाते हैं, मूंगफली और सारा आप जो बना के, वो कितनी मज़े की होती है? सर्दियों में मूंगफली भी बेस्ट, और गुड़ या शक्कर यूज़ करें तो वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो मैं सर्दियों में इनको गुड़ वाली मूंगफली बना के देती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो बस आ रही है सर्दियाँ, फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको भी शेयर करेंगे आपसे। The next morning. जी आज सफाइयाँ कर रहे हैं हम लोग, क्लीनिंग डे, आपको पता है 12 रबीउल अव्वल आ रही है, तो बस उसकी तैयारी हो रही है। ये जी सफाई हो रही है, अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, आज इनकी एकेडमी की छुट्टी करवाई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब तकरीबन 5 बज गए, नाश्ता वगैरह ये सुबह करके सोए थे, अब चाय और ब्रेड बनाने लगे। जी हम लोग आ गए किचन में ब्रेड और अंडा बनाने, ब्रेड और अंडा नहीं, शाही टुकड़े जो अंडों में डिप करके ब्रेड बनाते हैं और चाय। तो चलते हैं बनाते हैं नाश्ता। ये जी हमारे मज़ेदार से स्लाइस बन रहे हैं, और ये मैंने चाय रख दी है, ये मैंने सारी तैयारी कर ली है, और जल्दी से बनाते हैं नाश्ता और बच्चों को कराते हैं नाश्ता। ये जी फाइनल लुक मेरे शाही टुकड़े और स्वीट ब्रेड की, और ये मैंने चाय बना ली है, तो चलते हैं बच्चों को नाश्ता दे देंगे। कैसे बने? तो बताओ कैसे बने हैं? सारे ये निकाल के नीचे रखो, सारी चीजें, ये परफ्यूम वगैरह नीचे वाले में, और ये बीड्स वगैरह ऊपर, सारी सारी इसकी सेटिंग करो, इक्वल करके सारी चीजें रखो। जी आज खाने में बन रहा है चिकन हल्का सालन, सफाइयाँ भी हो रही हैं। जी शैम्पू बनाने के लिए ये बना रहे हैं हम लोग लिक्विड चावल और साबुदाने का, जो पहले भी आपसे शेयर किया था, शैम्पू रख दिए हमने लाकर, बस ये जैसे बनता है तो शैम्पू मिक्स करते हैं। यहाँ पे सफाइयाँ भी हो रही हैं, झगड़ा भी हो रहा है। ये जी जाले वगैरह काफी उतर गए, मानो फ्रिज पे खलो गई है। थले उतर, थले उतर बीबी,
पुठे ही कम ने तेरे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया। गाइस से वो राणा साहब के में बैठा है। बल्ले भी बल्ले। बल्ले बल्ले। सोफे, ये जी लिक्विड बन गया है, इसको मैंने मशीन से ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बन गया। अब ये बच्चों को सबको बालों में लगाते हैं। ये थोड़ा सा इससे कपड़ा जल गया। और ये लिक्विड जो है ये शैम्पू में मिक्स करना है। इस दफ़ा इसमें मैंने एलोवेरा जो खालिश होती है पौधे वाली, वो पेस्ट बना कर डाला है, और ऑयल थोड़ा सा मिक्स किया है, क्योंकि ये ना बहुत ड्राई होता है तो शैम्पू को ड्राई कर देता है। इचिंग हो रही थी मेरे सर में। और ये बस सालन भी तैयार होने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे। ये सन साहब मेरे साथ लगे, मेरी फेवरेट डिश है ये भी। ये अब सारे मिक्स करने हैं। ये सब इसको शैम्पू में मिक्स करके रखेंगे, जब इसको लगाना है तब बस शेक करके इसको लगाएंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। पिछली दफ़ा वाला ख़त्म हो गया है शैम्पू, तो हम लोग दोबारा बना रहे हैं। चलो इसमें डालें। ये जो मास्क बनाया है आपके, मैं सबको लगा रही हूँ, जब तक काम वगैरह ख़त्म होगा अब मामा इसको लगा रही, मानो को लगा रही है। इसको 20 मिनट रखना है, उसके बाद इसको वॉश करना। आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग। तो बाल हो जाते हैं, कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी मेथी दाना और राइस जो है, इसमें अदरक भी डाला है हमने, बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। मानो के लिए तो बहुत अच्छा है। मानो हर टिकटॉक में अपने बाल ऐसे करते हैं। अच्छा या मामा गुलाम सैन को लगा रही हैं। इसको जरूरत तो नहीं है, इसके हमने कौन से बाल बड़े कर लिए, लेकिन इसके बाल बहुत। मेरे बालों में तो ऑयल लगा हुआ है, रफ से ऐसे लगा दो। हां तो ऑयल लगा के ही लगाते हैं। मुझे ऑयल के बगैर मैं भी ऑयल मिक्स मुझे भी को वैसे लगाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बाल बहुत ज़्यादा रफ है, इसलिए लगा। चलो हम ना, आपकी बारी। चलो आपकी बारी भी आनी। बड़ा मजा आ रहा है। लंबा लंबा आप भी लगवा दो। मैं लगवा लूंगा, पहले आप लगवाओ। पहले आप इसका रिजल्ट इनके टिकटॉकों में आप लोग देखेंगे कि बालों की क्या चाहिए। खासकर मेरे इसका तो हाँ टिकटॉक पे पाप होता है, ऐसे तुम्हारे दादा पे ऐसे हमारा रेडी हो गया है। अब बस रोटियां बनाने लगे, तो बस फिर खाना खाते मजे का। सुबह जो नाश्ते में नान बच गए थे, इनको मैं हल्का सा पानी और घी लगा के फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि रोटी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, महंगाई वैसे ही बहुत हो गई है। तो बस ताज़ी रोटियाँ दो तीन पकाई थी साईं जी के लिए, और ये बच्चों के लिए नान और खमीरी रोटी फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, ये तो खाना आ गया, खाना खा रही हूँ। पहले पानी पीना।
अच्छा ये देखिए चाय आ गई है और ये सोनू भाई भी आ गए हैं काम से, अब खाना खा रहे हैं। आजो खाना खा। आजी मामा आप गई थी बाहर, बताएं जरा। बस जो उस दिन पर्दे लिए थे उनकी लेंथ काफी ज्यादा थी, वो फिर दर्जी के पास में गई क्योंकि वेलवेट के पर्दे थे तो वो आम मशीन पे तो बनने नहीं थे, वो फिर शॉर्ट करवाए, कुछ कुशन के कवर बनवाए उसी पर्दों के कपड़े में से, और टेबल का कवर भी बनाया। तो इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल को जो हमने पर्दे लिए थे, सोफों के कवर लिए थे और कुशन, वो सारी सेटिंग करेंगे। आज सफाई होगी माशाल्लाह से, दिखाओ आप, सारा क्लीन हो गया पूरा घर, किचन से लेके सारे कमरे, वो हमारा शोरूम भी दिखाओ। ये ऊपर लगाया है, रखा है एक शेल्फ पे रखा है, बाकी बस अब जैसे सीजन शुरू होता है तो इंशाल्लाह पेंट करवाना है और ये शीट्स वगैरह लगवानी है, बस आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होने से पहले पहले हम लोग ये तैयारी करा। अच्छा जी आप भी फ्रेश हुई अभी तक? पानी खत्म कर रही है, सारा पानी एंड सबसे पहले जो गुलाम से ना गली का काम करवा तक पहुंचा हो गई है थोड़ा सा, वो दिखा रहा हूँ जरा अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा। ये देखें जी ये थोड़े से इन्होंने सजाया है इधर, ये और लाइटें भी लगाई हैं ऊपर, देखें लाइटें चलते हैं अभी अंदर दोबारा। कितना हुआ है गली का काम? काफी हद तो हो गया है, जो सामने वाला घर है और हमारा घर है बस अभी तो इधर तक ही हुआ। चलो हो जाएगा, बाहर मेन पे भी तैयारी हो रही है, वो तो जो बड़े लड़के हैं ना सारे मोहल्ले के वो ही आप बड़े करेंगे, वो कर रहे हैं इधर तो बस ये गली के छोटे बच्चे ये ग्राम से हैं। ये था आज का व्लॉग, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।